शरद सबसे पहले आपके पास आते हुए शरद कुमार मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ताजा जानकारी क्या है कि आप पर्यवेक्षकों ने जो रिपोर्ट सौंपनी थी सोनिया गांधी को वो सौंप दी गई है, क्या उससे जुड़ी कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, यहाँ पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, अब बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो गहलोत कैंप में थे वो निकल के बाहर आ गए हैं, और गहलोत सरकार के मंत्री हैं राजेंद्र गुढ़ा, जो उस समय सचिन पायलट के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़े थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये बहुत करीब 17-18 जो विधायक हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं कि हमें वहां ले जाया गया था, सिग्नेचर कराया गया, लेकिन हम कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं। तो इस तरह का जो यहाँ एक माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि आलाकमान का थोड़ा सा जो स्टैंस है वो हार्ड हुआ है, और जो पर्यवेक्षक हैं वो रिपोर्ट सौंपने जा रहे, हो सकता है कि यहाँ कहा जा रहा है कार्रवाई हो सकती है। हम राजेंद्र गुढ़ा जी हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं जो प्रेस। ये इनको छल करके, झूठ बोल के और इनको गुमराह करके बुला लिया। ज्यादातर आपके सामने आ भी गई, डॉक्टर जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं, हमारे लाखन जी क्या कह रहे हैं, हमारे संदीप यादव क्या कह रहे हैं, गंगा देवी क्या कह रही है, प्रशांत बैरवा क्या कह रहा है, सारे सबको छल करके बुला लिया। आप 1-to-1 बात करने से क्यों दिक्कत आ रही है, ग्रुप में बात क्यों करना चाह रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 1-to-1 करवा दो। ये इसलिए नहीं करना चाहते कि इनको पता है विधायक सारे के सारे आलाकमान का नाम लेंगे, एक दिन के अंदर फैसला हो जाएगा और इनका जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बंद हो जाएगा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के बिना यहाँ सरकार नहीं बन सकती। प्रताप सिंह जी तो शोले पिक्चर के गब्बर सिंह बन गए। ठीक है शरद, मैं आपके पास आएंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, दो छोटे छोटे सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। पहला सवाल, खबर ये आ रही है कि शायद सचिन पायलट दिल्ली रवाना हो गए, और दूसरी सवाल जो है वो ये कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सवाल था कि भाई कौन आला, कौन कमान, किसके हाथ में कमान, लेकिन अब हर किसी की जुबान पर एक ही नाम, जो कहे आला कमान। देखिए, हाईकमान जो कहेगा वो तो अंततः पार्टी में होता है, और इसीलिए लगता है कि वो विधायक, मैं बाइट सुन रहा था कि मीटिंग अगर तिम्बक्तू में होती तो मैं तो वहां भी चली जाती। अब अगर विधायक तिम्बक्तू में भी जाके बैठक पार्टी की अटेंड करने को तैयार हैं, तो इससे एक ही संकेत मिलता है, वो ये कि अशोक गहलोत के साथ सीधे खेला हो चुका है। उन्होंने लगा कि ताकत दिखाएंगे, आलाकमान झुकेगा, लेकिन जब हाईकमान ने तय किया कि सख्ती होगी, सरकार डूब जाए, पार्टी चली जाए, जो हो जाए, लेकिन सख्ती होगी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, तो जो विधायक शक्ति प्रदर्शन में अशोक गहलोत के साथ थे, एक एक करके देखिए बाहर आ रहे, कह रहे हैं हम तो हाईकमान के साथ हैं, और ये स्थिति सीधे आपको ले जाती है कुछ समय पहले जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ था, वो भी फ्लेक्स मसल कर रहे थे, मेरे साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, हाईकमान ने कहा नहीं तो नहीं, सारे जो चन्नी के साथ खड़े हो गए। तो ये ऐसा लग रहा है, हाँ ये बात सही है, 2:20 पर सचिन पायलट वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, लगभग 3:30 वो दिल्ली पहुंचेंगे। अब दिल्ली आने का एक ही मकसद है कि 10 जनपद जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर आएंगे, यहां मुलाकात होगी, लेकिन एक और स्टैंड बदलता दिखाई पड़ता है। इसी कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 30 जनवरी तक कोई साइड नहीं रखी जाएगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्टेटस को रहेगा, लेकिन लग रहा है बात स्टेटस को से आगे की हो गई है कि अब प्राथमिकता नए अध्यक्ष को चुनने की नहीं है, बल्कि बागियों को सबक सिखाने की है। ठीक है।